Finally, I am inside the cockpit. Hello, pilot. Thank you so much. So, मैं इस वक्त जहाज से आखिरी पैसेंजर हूँ जो बाहर निकल रहा हूँ और मैं बहुत पुरमसरत और खुश इखलाकी फील कर रहा हूँ कि मैंने सब लोगों को जाने दिया। अरे वाह, बॉस ने बड़ी जबरदस्त हमारी राइड बुक कराई है और इसमें हम घूमेंगे। इस्लामाबाद मुझे मिल गए हैं कोई प्यारे प्यारे से बच्चे, ये तो आ जाओ मेरे व्लॉग में, मुझे सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल गले मिल लेते हैं। लड़के तो बैठे किसी कोने में सिगरेट पी रहे होंगे। तो बेसमेंट में जा रहा हूँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, बहुत मजे से हैं। अनदर टायरिंग डे एंड अनदर टायरिंग ट्रेवलिंग। तेजी से शाम के वक्त जा रहे हैं हम एयरपोर्ट, और इस दफा एयरपोर्ट से हम लाहौर नहीं जा रहे हैं, इसलिए दो दफा बैक टू बैक लाहौर होकर आ गए। तो आई हैव चेंज माई डेस्टिनेशन, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। मुझे ऊपर से यही एडवाइस मिली कि आपने लाहौर नहीं जाना, आपने कहीं और जाना है। सो वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद दिस टाइम टू सी यू एट इस्लामाबाद। तो जनाब हम निकल पड़े हैं घर से, टाइम है बहुत शॉर्ट, 5 बज के होने वाले हैं, घड़ी में 20 मिनट, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में मुझे वहां पहुंचना है क्योंकि 5-7 मिनट मुझे अंदर जाने में लगेंगे। और चेक इन फ्लाई दुबई से, फ्लाई जिना की फ्लाइट है, तो फ्लाई जिना वाले 1 घंटे पहले चेक इन खत्म कर देते हैं, तो भागम दौड़ में चेक इन करनी है। तो अब आपसे बात करेंगे हम चेक इन कराने के बाद, और देखते हैं हम कितनी देर में वहां पहुंचते हैं, रश ना मिले बस रास्ते में। तो जनाब सामने आप देख रहे हैं इस वक्त कराची एयरपोर्ट की शानदार सी बिल्डिंग, और अब से थोड़ी ही देर में होंगे हम एयरपोर्ट के अंदर। फॉर्चुनेटली हमारा वन नाइट स्टे है, वरना सेम डे रिटर्न इज ऑलवेज वेरी टायरिंग। और अब हम जाके आज वहाँ स्टे करेंगे और पहले एक इंपॉर्टेंट सी मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इस्लामाबाद घूमेंगे, आपको कराची वापस ले आएंगे। जनाब चेक इन हमने कर लिया। अच्छा इतफाक ये हुआ कि मैं ऑफिस में था, ऑफिस से जब मैं घर आया भागते दौड़ते, मुझे घर से बस अपना सामान लेना था और निकलना था, घर आते पता चला कि रफ़िया राहील जो है उनको हो गया बुखार। एंड जब बच्चे मेरे पीछे बीमार हो जाना तो मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इनफैक्ट जिस दिन मेरे बच्चे बीमार हो, ना तो मैं कहीं बाहर जाने का सोचता हूँ, ना मैं किसी पार्टी को अटेंड करता हूँ, घर के अलावा निकलने का मेरा दिल ही नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी जब बदिया से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे देख के बताया कि नहीं भाई, रफ़िया को बुखार नहीं है, आप बिला वजह कंसर्न रहे, रफ़िया को फीवर 98 है, बट रूटीन वायरल जो है वो चल रहा है उनके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि रफ़िया इज़ वेल, अब मैं सुकून से ट्रैवल करूँगा एंड नहीं भी करना पड़ता लेकिन अब रिलैक्स रहूँगा। एज यूजुअल ट्रैवलिंग विद मी, और यहाँ पे हो गया है असल की नमाज का वक्त। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ एयर साइड, वैसे हमारे लिए एयर साइड की कोई वैल्यू रही नहीं है, इतना एयर साइड हमने देखी है, बट इट्स अ गुड व्यू। और हम जा रहे हैं असल की नमाज पढ़ने, ताकि जहाज में जल्दी में नमाज ना पढ़नी पड़े। बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है और सनसेट भी बहुत खूबसूरत है सामने, और फ्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम है। मेरा बैग डोल रहा है, काबू ही नहीं आ रहा, या तो वो कैमरा संभाल लूँ या बैग। तो जी फाइनली वी आर इन प्लेन, और इनको शुरू होना था साथ हमारे। बस में खुश आमदी इस वक्त प्लेन में बैठे बैठे मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया शॉट रिकॉर्ड किया जाए। मैंने उठाया कैमरा, पैरों से घुमाया, सीट पे लाया, हवा मिला के मुंह पे ला के सोचा बाजी बिरयानी कब खिलाओगी। अब ये सोच ही रहा था कि सामने से मेरे सामने आ गई बिरयानी की प्लेट विद आलू वाला कबाब। चिकन थी थोड़ी लेस बट बिरयानी वॉज नॉट बैड। तो मैंने की इंजॉय बिरयानी हवा में उतरते हुए जहाज के साथ इस्लामाबाद का मंजर देखते हुए। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना जहाज में, वो जहाज़ का दरवाज़ा खुलता नहीं और लोगों ने बाहर निकलना होता है, बट इस वक्त देखिए मैं आपको ऐसा मंजर दिखा रहा हूँ जहाज़ में किसी नहीं देखा होगा। एंटायर प्लेन इज एम्प्टी। सो मैं इस वक्त जहाज़ से आखिरी पैसेंजर हूँ जो बाहर निकल रहा हूँ, और मैं बहुत पुरमसरत और खुश इखलाकी फील कर रहा हूँ कि मैंने सब लोगों को जाने दिया। सो फाइनली आई एम आउट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस एम्प्टी प्लेन। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई विद स्पेशल परमिशन टू एंटर इनटू द कॉकपिट, एंड लेट मी शो यू द कॉकपिट फ्रॉम इनसाइड। फाइनली आई एम इनसाइड द कॉकपिट। हेलो पायलट, थैंक यू सो मच। सो ये देख सकते हैं इस्लामाबाद की टर्मिनल बिल्डिंग अप फ्रॉम द कॉकपिट, एंड यस आई एम योर पायलट टुडे, थैंक यू सो मच। तो जनाब हम खाली खाली कॉरिडोर में भाग रहे हैं इस वक्त है बोर्डिंग ब्रिज के अंदर,
और हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की टर्मिनल बिल्डिंग में, जो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बिलीव मी यू कैन प्ले फुटबॉल इन इट। सो आ गए हम टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंड यहाँ से हम जाएंगे गेस्ट हाउस, वहाँ रात गुजारेंगे। अरे बॉस आप जल्दी कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? अरे वाह बॉस ने बड़ी ज़बरदस्त हमारी राइड बुक कराई है और इसमें हम घूमेंगे इस्लामाबाद, नॉट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। सो लेट्स एक्सप्लोर इस्लामाबाद एयरपोर्ट। बहुत अच्छा बना हुआ है, इट इज़ अ वेरी यूनिक आर्किटेक्चर, बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है ईस्टर्न वेस्टर्न का, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमने बनाया, बट इट्स अ गुड फैसिलिटी। और हम जा रहे हैं इस वक्त गेस्ट हाउस, रात स्टे करेंगे, सुबह मीटिंग है और फिर आपसे मिलेंगे कल के दिन के साथ। द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर बैगेज क्लेम एरिया इज देयर ट्रैफिक आर्ट, सॉरी ट्रक आर्ट, सो डिफरेंट, सो यूनिक। और दिस टर्मिनल हैज़ बीन डिज़ाइन बाय अ सिंगापुर बेस्ड कंसल्टेंट, बट उन्होंने हमारे लोकल कल्चर को उसने बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड किया। दिस लुक्स टू गुड। आई होप आपको ये टर्मिनल पसंद आया होगा, मुझे टर्मिनल बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स ओपन स्पेसिस, बहुत बड़े हॉल्स हैं, बहुत बड़ी स्पेसिस हैं, पैसेंजर क्रॉसिंग एरियाज आर टू गुड, बट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है वैसे। और भाई इस्लामाबाद में है बहुत ठंड और मुझे लग रहा था यहाँ ठंड नहीं होगी, मैं फिर हाफ फ्रीज में आ गया, मगर यहाँ बहुत सर्दी है। और अभी हम टेम्परेचर देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन कैसे? तो जनाब हम आ गए एयरपोर्ट से अपने गेस्ट हाउस में, आपको रेस्ट हाउस अभी दिखाते हैं। मगर रेस्ट हाउस आने से पहले, एक तो इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी ठंडी हो रही है, हल्की हल्का ठंडा मौसम है, हल्का नहीं काफ़ी ठंडा मौसम है, मैं ज़्यादा फील नहीं करना चाह रहा ठंड को, क्योंकि ठंड और बेइज्जती जितनी फील की जाए उतनी ज़्यादा लगती है। तुम्हें व्लॉग में लू, ये देखे मुझे मिल गए कोई प्यारे प्यारे से बच्चे, ये लोग आ जाओ मेरे व्लॉग में। कैसे हो तुम लोग? वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम लोग को रिकॉर्ड करने कराची से यहाँ पर आया हूँ। हमारे साथ है नए व्लॉगर्स, हमारे जो फ्यूचर के व्लॉगर्स है और हमारे गेस्ट है। क्या करते हो तुम लोग? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी कर रहे होम? हाँ क्या सब्जेक्ट है आपके? ICS फिजिक्स। तो आप लोग इस्लामाबाद बेस लग नहीं रहेगी, तो मुझे लग रहा है पश्तून जी, पठान जी। किधर से? लकी मरवत से। यहाँ पढ़ने आए हुए? नहीं इधर रहते हैं। अच्छा आप भी इधर रहते हैं और आप भी इस्लामाबाद से ताल्लुक है आपका? मेरा राजपूत है। राजपूत है और आप कौन है, मुगल है? बेसिकली अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अफगानी भाई तो पाकिस्तान में बहुत पहले से हम आए हैं। चलो तुम्हारा है सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया अपनी, अफगानी हो पाकिस्तानी हो। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त रात में गाड़ी में? अम्मा अब्बा को पता है? अब्बू खुद देते थे हमें। अब्बू देते हैं 18 साल इनके वो बने हुए ना। अच्छा इसका लाइसेंस बना हुआ है। नाम क्या है आप लोगों के? मेरा नाम जुनेद। जुनेद? मेरा नाम मसूद। मसूद? मैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ओके। अब्दुल्ला बड़ा जरा सी में कुछ मुझे लगता है ये स्टार बन जाएगा, है यूनिवर्सिटी में भी स्टार है ये स्टार बना हुआ है बना हुआ है। कैसा है भाई? मैं तो ठंड लग रही है कराची वालों में, वैसे कराची में बहुत ठंड है मगर आज हमें यहाँ ठंड लग रही है। ठंड ज़्यादा ठंड है इस वजह से ना, क्योंकि खुला खुली खुली जगह है ना। इसको अब्दुल्ला को देख के लग नहीं रहा कि ठंड है? ठंड के दर है भाई, वो तो लकी मरवत का पठान है, उसे कहाँ ठंड लगेगी, यहाँ पर बर्फ का आदि है। मैं तो फंस गया कराची से आके, मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। मैं जा रहा हूँ तुम्हारा पार्क एक्सप्लोर करने। थैंक यू सो मच, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, राहिल्स फैमिली। राहिल्स फैमिली हाँ अभी सब्सक्राइब करो, साथ जाके 3 सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये मिल गया हमें बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे। इस्लामाबाद में रोडों पर मैं वॉक कर रहा था, मैं वॉक नहीं कर रहा था, मैं यहाँ एक पार्क एक्सप्लोर करने आया था जो यहाँ कॉर्नर पे है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो उसका रास्ता किधर से, आइए मेरे साथ चलें। मतलब 9:30 बजे रात के आप इस वक्त इस पब्लिक प्लेस का हाल देखें, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं किसी हॉन्टेड जगह पे आ गया। व्हेन एवर आई विजिटेड दिस प्लेस, मुझे इस्लामाबाद आके द ओनली थिंग व्हिच आई फील द मोस्ट इज कि यहाँ सन्नाटा इतना होता है कि आपको ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब इस पूरे पार्क में नो वन इज हेयर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल जो कि यहाँ वॉक कर रहे हैं, बस खाली पड़ा है। एंड यही पार्क है कराची में, इस वक्त आप 9:30 बजे 11:30 बजे भी जाएँ तो दिस विल बी क्राउडेड फॉर श्योर, क्राउडेड कम अज कम लड़के तो बैठे किसी कोने में सिगरेट पी रहे होंगे। लेकिन अच्छा प्लेजेंट मौसम है, सड़कों की लाइटें जल रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, ये चीज़ें हमें कराची में देखने को नहीं मिलती। तो ये था हमारा नियर बाय पार्क जो मैंने विज़िट कर लिया और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट हाउस। बट दिस लोकेलिटी इज़ रियली वेरी पीसफुल। और एक बात लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में ना सड़कों तक ग्रीनरी हो रही होती है, एंड दिस इज़ सो ट्रू। यू कैन नोटिस दिस थिंग के
एट द एज ऑफ द पेमेंट, मैं तो जरा इंजीनियर बन गया इस वक्त बात करते करते, एज अ लेमैन बात करते हैं, जहां तक की काली सड़क नजर आ रही होती है वहां तक आपको लश ग्रीन लैंडस्केप जरूर नजर आ रहा होता है, ग्रीनरी हर जगह नजर आ रही होती है और लेस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। सो चलते हैं, सुबह मीटिंग भी है, रेस्ट हाउस देखते हैं अंदर से कैसा है और फिर सोने की तैयारी करते हैं। तो ये रहा हमारा रेस्ट हाउस और अब इस रेस्ट हाउस को हम एक्सप्लोर करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है। एंड समवन टोल्ड मी, ओके समवन नहीं, यहाँ के स्टाफ ने बताया कि आपका कमरा बेसमेंट में है। तो बेसमेंट में मैं जा रहा हूँ, आई एम अ बिट स्केयर्ड ऑफ लिविंग अलोन, बट चलो जी कोई बात नहीं। आ गया हमारा कमरा, वाह भाई, ओके आई कमरे में आज ही सामने नजर क्या आया, हीटर ऑन है भाई। यार इट्स रियली अनबिलीवेबल एंड वेरी पेनफुल दैट एवरीवन इज स्लीपिंग एट 10, घड़ी में देखे आप बिल्कुल शार्प 10 बज रहे हैं एंड एवरीवन इज स्लीपिंग। और यकीन जाने कराची में रहते हुए इतना दिल चाहता है कि इंसान 9:30 बजे लेट के सो जाए, बट व्हेन यू हैव नथिंग एल्स टू डू और कोई काम करने को ना हो सवाए सोने का, तो सोना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, हीटर हीटर ऑन है इस्लामाबाद में, तो आप सर्दी का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सर्दी है, बट हम कमरे में आ गए, एक रात गुजारनी है और उस रात को गुजार के हमने कल कराची वापस चले जाना है। सो ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप यू लाइक इट द मोस्ट, और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, लाइक फिर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें एंड कीप वॉचिंग अस। सी यू अनदर टाइम विद अनदर व्लॉग एट डे 2 इस्लामाबाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।